एक सदैव पढ़ाचे क्षण रिकामा जाऊं ने दो एक क्षण, अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता वो सदैव सौभाग्यवान रहता है। जैसे कि मैं हूं, मैं अपने जीवन का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता हूं। तो आइए करोड़पति के चौथे एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत है। आज बैठे हैं मेरे साथ, कौन है बेटू? सर मैं हूं गरीब। ठीक है, ये खेलेगा मेरे साथ, चलिए खेला शुरू करते हैं आगे। तो हेलो हाय में टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। कौन है बेटू और तू इतना गरीब क्यों है? सर मेरा नाम है GR गरीब लास और मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मैं गरीबों का भी गरीब हूँ, इसीलिए मैं गरीब हूँ। अच्छा, तो गरीब जी आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गलती कभी मत करना मेरे साथ। तो गरीब जी आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप क्या काम करते हैं? सर मैं काम करता था। ओके। मैं सर कबूतर बनाता था। कबूतर बनाते थे? मेरे ख्याल से तो कबूतर अंडे में से निकलता है शायद। हाँ सर, लेकिन मैं कबूतर बनाता था और लोगों को उल्लू, दो काम थे मेरे सर। ऐसे कुछ विस्तार बता दी। हाँ सर, मैं सर कौओं को पकड़ता था और उन पे पेंट कर देता था कबूतर वाला, और बहुतों को तो मैंने तोता भी बना दिया। ओके। हाँ सर, ये धंधा मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन सर क्या हुआ कि बारिश पड़ गई, कौए सारे धुल गए, लोगों ने मुझे भी धो दिया। तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है सर, तो इसीलिए मैं गरीब हो गया और फिर मैं यहाँ पर आ गया सर। तो तुझे क्या लगता है यहाँ पे पैसे मिलते हैं? हाँ और नहीं तो क्या। तो तुझे आगे पता चल ही जाएगा कि तुझे यहाँ क्या मिलेगा। आपने अगर सवालों के जवाब सही दिए, वैसे नहीं हम आपको सारे बताए हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यस सर। ओके, मैंने सुना है आपके पास एक पतीला है जो कभी पानी से खाली नहीं होता। हाँ सर, उसके बारे में कुछ बताए। वो सर जैसे ही वो खाली होता है मैं उसे भर देता हूँ। इसीलिए वो खाली नहीं होता है। यस सर। ये काफी नया कॉन्सेप्ट है, मैंने पहली बार सुना है। चलिए खेला शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा मेरे मुंह पर, टीम इंडिया वर्ल्ड कप से क्यों बाहर हुई? ऑप्शन ए चहल की वजह से, क्योंकि वो रील्स बनाता है। ऑप्शन बी, सबने अपनी अलग टीम बना रखी है ड्रीम इलेवन पर। ऑप्शन सी, अक्षय की फिल्म फ्लॉप हो गई इसलिए। ऑप्शन डी, मलिंगा की बालों की वजह से, क्योंकि सारे क्रिकेटर उसी के जैसे बाल चाहते हैं। तो बताइए क्या जवाब देना चाहेंगे आप? सर आपने सवाल तो बड़ा ही बेहुदा सा पूछा है, इसे सुनकर मेरे चिरचिरी सी होने लगी। इसमें चुनचुनी की क्या बात है? चिरचिरी चुनचुनी चिरचिरी चुनचुनी चिरचिरी सर चुनचुनी चिरचिरी चिरचिरी चिंचिरी 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 बीच में चिंचिरी। यस सर। चिंचिरी 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 चिरी चिरी चिंचिरी। अरे मुंह बंद कर अपना। चिंचिरी चिंचिरी सवाल का जवाब दे। यस सर, सॉरी सर। सर मैं सवाल का जवाब तो दे दूंगा, पर सर आप पहले क्या करते थे? तो तू मेरे बारे में जानना चाहता है तो इधर देख ले सूरमा। अरे इधर देख ले, फ्लैशबैक चल रहा है इधर। देखो सर, शॉट क्लियर है, ये हीरो है और आप विलन हो, और विलन हीरो को मार रहा है, समझ में आ गया? ओके। शॉट रेडी करो। शॉट रेडी रेडी एक्शन। अरे इसको क्या हुआ? कट कट कट। मुझ पर तो चलाएगा तू? एक बार का दूध पिया तो चलाओ चलाओ। कट कट हर। तो आप एक्टर थे? जी हाँ। फ्लैशबैक के मजे ले लिए हूँ तो जवाब दे दीजिए।
टीम इंडिया वर्ल्ड कप क्यों हारी? रे सर, हार जाए मुझे क्या, मैं तो मैच देखता ही नहीं हूँ, मैं तो फालतू घूमता हूँ, यूं टाइम बर्बाद करता हूँ मैं। क्या कहा? आराम जादे फालतू पंगत में घूमने वाले दो कड़ी के लेडी, तेरी इतनी हिम्मत? तूने नया जवाब देने की हिम्मत कैसे की? कैमरामैन जरा इस पे फोकस कर ले, मैं इसकी टांग अच्छे दूंगा। इधर आ। इसीलिए मैंने पहले कहा था, एक पड़ांचे छड़ रिकामा जाऊं, नहीं तो एक छड़, अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन का एक छड़ भी बर्बाद नहीं करता वो सदैव सौभाग्यवान रहता है। जैसे मेरी तरह अगला करोड़पति मैं खेलूंगा, और वो भी अपने साथ। जाने कहां कहां से आ जाते, मेरा ज्ञान बर्बाद हो रहा है।